मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की शुरुआत सोमवार से हो रही है। 5 फरवरी को 10वीं की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र है। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 6 फरवरी से है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। बड़वाहा के 3 केंद्रों विवेकानंद विद्या विहार, CM राइज स्कूल एवं उत्कृष्ट बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल पर संचालित होने वाली दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इसमें केंद्र अध्यक्षों ने परीक्षा संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी पर्यवेक्षकों को दी। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा लागू किए गए नए नियम भी मीटिंग के दौरान बताए। उल्लेखनीय है कि तीनों केंद्रों पर 10वीं के 1181 परीक्षार्थी एवं 12वीं के 799 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दोनों बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शुक्रवार रात को पुलिस थाने में जमा किए जा चुके हैं। परीक्षा के दिन पेपर के यह बॉक्स सीधे परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों के सामने ही खोले जाएंगे। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे विवेकानंद स्कूल में केंद्र अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने पर्यवेक्षकों की एक मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने करीब 20 से अधिक पर्यवेक्षकों को परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में बताया। केंद्र अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष सभी विषयों में उत्तर पुस्तिकाओं में OMR शीट रहेगी। OMR शीट पर छपा हुआ बारकोड ही परीक्षार्थी की पहचान रहेगा। परीक्षार्थियों को सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका को नहीं मिलेगी। हालांकि परीक्षार्थियों को दी जाने वाली मुख्य उत्तर पुस्तिका 32 पेज की रहेगी। परीक्षार्थी डिजिटल या स्मार्ट वॉच पहनकर नहीं जा सकते। इसके अलावा मोबाइल एवं कैलकुलेटर भी प्रतिबंध रहेंगे। 20 बच्चों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इस बार जो है सर, सभी जो बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं जो है उसकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें सभी में OMR शीट लगी मिलेगी। इसके अलावा जो है प्रश्न पत्र के पैकेट जो अभी तक परीक्षा कक्ष में जो खुलते थे वो वहाँ न खुल करके बक्से से पैकेट निकाले जाएंगे और पैकेट्स जो है वो सीधे कक्ष में जाएंगे और कक्ष में ही पैकेट्स खुलने वाले हैं। और सर इस बार 32 पेज की होगी, पूरक उत्तर पुस्तिका बच्चों को नहीं दिया जाएगा। विवेकानंद उमावी बड़वाह है, जिसमें 10वीं के 380 बच्चे हैं, 380 टेंथ में और 12th के 229 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बड़वाहा से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।